हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं VTube फैक्ट्स चैनल। दोस्तों, बजट में आम लोगों की निगाहें इस बात पर लगी रहती हैं कि कौन सी चीज़ सस्ती हुई और कौन सी महंगी। इस साल बजट में कुछ वस्तुओं पर टैक्स और उनके प्राइस में बदलाव होता है, जिसका प्रभाव आम जनता पर पड़ता है। इस दौरान कई चीज़ें सस्ती तो कई महंगी हो जाती हैं। ऐसे में आइए जानते हैं कि इस बार का बजट देश की जनता के लिए किन चीज़ों को सस्ता और महंगा कर रहा है। दरअसल, केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बुधवार को बजट 2023 और 24 को संसद में पेश करते हुए कुछ सामानों को आम लोगों के लिए सस्ता कर दिया है। अमृतकाल का बजट लोकसभा में पेश करते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बुधवार को कहा कि भारतीय अर्थव्यवस्था सही रास्ते पर है, जो उज्ज्वल भविष्य की ओर बढ़ रही है। इस दौरान उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि इस बजट के द्वारा सरकार ने प्रत्येक वर्ग का ध्यान रखने की कोशिश की है। मीडिया से बातचीत करते समय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि उनकी सरकार मार्केट में गेहूं रिलीज करने जा रही है। इसके बाद मार्केट में गेहूं के दाम काफी कम हो जाएंगे, जिससे आम जनता को फायदा पहुंचेगा। उन्होंने कहा कि बजट से पहले ही हमने गेहूं के दाम कम करने की कोशिशें की हैं, जिसे इस बजट के बाद पूरा करना और आसान हो जाएगा। दोस्तों, इस बजट में लोगों का ध्यान इस बात पर ज्यादा रहा है कि सरकार ने उनको क्या राहत दी है, किन जरूरी चीजों को सस्ता किया गया है और किन चीजों को महंगा। तो हम आपको बता दें कि सरकार ने मोबाइल खरीदने वालों को राहत दी है, क्योंकि कुछ मोबाइल पार्ट्स पर कस्टम ड्यूटी को कम किया गया है। इसके साथ ही इलेक्ट्रॉनिक कारों को भी सस्ता कर दिया गया है। बजट में लिथियम आयन बैटरी के आयात पर कस्टम ड्यूटी में छूट दी गई है। इसके अलावा अब टीवी भी सस्ता होगा, क्योंकि उस पर इम्पोर्ट ड्यूटी कम होगी। इलेक्ट्रिकल सामान भी सस्ता होगा। सरकार ने रबड़ पर ड्यूटी कम की है, इससे खिलौने, साइकिल और ऑटोमोबाइल सस्ते होंगे। अब अगर महंगी चीजों की बात करें तो सिगरेट पर लगने वाली ड्यूटी को बढ़ाया गया है, जिससे सिगरेट अब और महंगी होगी। सिगरेटों पर राष्ट्रीय आपदा आकस्मिकता शुल्क NCCD को 16% बढ़ाया गया है। शुल्क में हुई इस बढ़ोतरी के कारण सिगरेट महंगी हो जाएगी। इसके अलावा चांदी पर भी कस्टम ड्यूटी बढ़ाई गई है, जिससे चांदी भी महंगी होगी। तो वहीं चिमनी, कुछ मोबाइल फोन और कैमरे के लेंस, सोना, चांदी और प्लैटिनम भी महंगा होगा। बजट में सोने और प्लैटिनम से बने सामानों पर सीमा शुल्क बढ़ाया गया है। चांदी से बनी डोरें, बार और सामानों के आयात शुल्क में भी वृद्धि हुई है। प्रधानमंत्री मोदी ने भी बजट की जमकर तारीफ की और कहा कि अमृतकाल का पहला बजट विकसित भारत के विराट संकल्प को पूरा करने के लिए एक मजबूत नींव का निर्माण करेगा। यह बजट गरीबों और पिछड़े लोगों के लिए वरदान के रूप में काम करेगा। ये आज की आकांक्षी समाज, गांव, गरीब, किसान, मध्यम वर्ग सभी के सपनों को पूरा करने में मदद करेगा। आप बताइए दोस्तों, आपकी इस बजट के बारे में क्या राय है, ये आप हमें कमेंट सेक्शन पर कमेंट करके जरूर बताइएगा। और साथ ही साथ दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और शेयर जरूर करें। इसके साथ ही साथ ऐसी खबरों के लिए हमारे चैनल VTube फैक्ट्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।